हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो कैसा लग रहा है आज का ये लुक? एंड स्पेशली फॉर बर्थडे लुक मैंने इसे क्रिएट किया है। अगर आपने वेस्टर्न नहीं पहना है, इंडियन लुक में हो, तो आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। एंड मैंने ये देखिए बहुत ही सिंपलिसिटी रखा है अपने मेकअप लुक में, एंड बहुत ही प्यारा सा एक झुमका पहना है ज़वेरी पर्ल्स का। सो ये लुक मैंने दो तरह के आईज़ मेकअप से क्रिएट किया है। सो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। अगर ये लुक आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे किसी भी ओकेजन पे भी ट्राई कर सकते हो, फेस्टिवल में भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। ऐसे मैं हर वीडियोस में सीरम अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फील हो रहा है इससे। एंड उसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। गर्मियों में क्या होता है, जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो आपको बहुत स्वेट आने लगता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। ये बिल्कुल भी लाइट हेवी नहीं है, बिल्कुल लाइट है, तो आपको पसीना वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। एन बाई बी का प्राइमर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो भी आपके फेस पे मेकअप रहेगा ना, वो अंदर नहीं जाएगा, पोर्स को ब्लर करता है, बहुत अच्छा होता है प्राइमर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेकअप लुक में। उसके बाद मैं सबसे पहले आज कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, फाउंडेशन बाद में करना है आपको। अगर आपका मन है कि आप पहले फाउंडेशन अप्लाई करो तो वो भी आप कर सकते हो। पहले क्या होता है ना, ये करने से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, कवरेज मिलता है शायद। सो ये ब्लू हेवन का वैनिला शेड है मेरा, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बजट का है। स्पेशली मैं हर चीज़ बहुत बजट की यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बजट की चीज़ें पसंद करते हो। अगर आप हाई एंड रेंज में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बट ये सब जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही सस्ते हैं एंड आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सारे वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसे मैंने purple.com से ख़रीदा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करना है स्पॉन्ज की हेल्प से, एंड इसे मैंने भिगो लिया था एंड अच्छे से निचोड़ लिया था। उसके बाद ओलिविया का नेचुरल ग्लो 02 मेरा शेड है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है एंड बहुत ही ज़्यादा बजट में है गाइज। ओलिविया का मैं बहुत दिनों से ख़रीदना चाह रही थी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू पढ़ के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सो मैं पूरे फेस पर डॉट्स कर ले रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से। अगर आप चाहते हो तो अपने ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, बट क्या होता है ना, फिनिशिंग टच आपको ब्लेंडर ही देगा। मैं कभी कभी दोनों से कर लेती हूँ या कभी कभी एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ। सो मैं नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूल रही हूँ, मैं हमेशा नेक एरिया को अपना फाउंडेशन कंसीलर ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद फाउंडेशन को ब्लेंड मैंने कर लिया है। उसके बाद लूज़ पाउडर, यानी मेरा जो ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर है, बहुत अच्छा होता है गाइज, आपके मेकअप को, आपके कंसीलर को बहुत अच्छे से सेट करता है। सो मैं अंडर आई से अच्छा ढेर सारा लगाती हूँ, आपको इसको रगड़ना नहीं है, पुश करना अंदर की तरफ, एंड उसको छोड़ देना है आपको। जब तक आप अपना आई मेकअप कंप्लीट करोगे तब तक वो आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाता है, ठीक है। SFR का ले रही हूँ मैं आई शेडो पैलेट, एंड इसमें आपको मिल जाता है आईब्रो एंड लिपस्टिक वगैरह, आई थिंक बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं एंड बहुत ही बजट का है। एंड इसे मैंने कर्व्स एंड लैसेस से परचेज़ किया है। सो मैंने पिक किया था नीचे ब्राउन कलर, एंड उसके बाद में जो व्हाइट वाला मैंने आपको दिखाया वैक्स है, उससे आप अपने आईब्रोज को फिल करने के बाद ना उसे अच्छे से अप्लाई कर देना। इससे क्या होता है ना, उसमें एक शाइन आ जाती है एंड आपकी आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ओके। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप पे मैंने सेम कंसीलर को अपना एज अ आई बेस, एज अ आई प्राइमर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अच्छे से आई शेडो दिखे इसलिए हम अपना कंसीलर अप्लाई करते हैं। सो मैंने अच्छे से अप्लाई किया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, एंड अच्छे से सेम ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड जो मैंने लिया था जो लूज़ पाउडर, उसी से मैं अपने आई के कंसीलर को सेट कर रही हूँ, एंड ये शेड को मैं पिक कर रही हूँ एज अ क्रीज पे, ओके। ये हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट है, आई थिंक 250 के अंदर का था, ये 250 रुपीज़ के अंडर का है, एंड इसे मैंने शायद अमेजोन से परचेज़ किया था, और बहुत ही अच्छा है। सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट जितने डार्क शेड्स होते हैं ना, वो सारे अवेलेबल है इसमें, एंड सबका शिमर भी इसमें अवेलेबल है, आपको मैट एंड शिमर दोनों मिल जाते हैं, ओके। सो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर को, एंड डेप्थ के लिए मैंने इनर साइड पे अप्लाई करी अपना सिमर गोल्डन कलर, ओके। आउटर एरिया के पास आप जो देख रहे हो ज़्यादा ग्रीन आपको दिख रहा है, बस वहाँ पे मैंने ज़्यादा अमाउंट में वी शेप में बस
इसे पुश कर दिया था ओके। उसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने फिंगर की हेल्प से शिमर जो गोल्डन शिमर बेस्ड आई शेडो पैलेट था उसे मैं अपने इनर साइड से हाफ एरिया तक अप्लाई कर चुकी हूँ एंड मेरा जो लूज पाउडर था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, यानी उसको हटा दिया है। इन बाई बी का मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाइनर। मैं आज फॉक्सी आई करना चाह रही थी, मीन्स ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल थिन सी पतली सी लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसलिए क्योंकि मेरा जो लुक है ना एंड मैं जो लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ उस पर मेरा यही आई मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉक्सी आई जब भी आप क्रिएट करो तो उस पर कोई डार्क शेड की लिपस्टिक अप्लाई मत करना, बर्गंडी आप लगा सकते हो एंड मजेंटा लगा सकते हो, ये सब लिपस्टिक बहुत अच्छी जाती है आपकी इस आई लुक पे। सो मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ले रही हूँ मस्करा एंड मस्करा को मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं फॉल्सेस आपने देखा होगा मैं ज़्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है एंड थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये थोड़ा टफ होता होगा, बट मैं तो हमेशा कर लेती हूँ, बट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी पसंद नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा हेवी मेकअप है एंड ब्राइडल हो एंड ब्राइड के बाद भी आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप लेंसेज एंड फॉल्स लेसेस भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का लिया है कॉन्टोर पैलेट, नो उसको कर रही हूँ एंड अपने पूरे फेस को कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई किया है तो उससे क्या होता है पूरा फेस आपका थोड़ा सा फ्लैट लगता है, तो मैंने शेडो क्रिएट करने के लिए कॉन्टोरिंग की है ओके। ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का है, इसे मैंने कफ्स एंड लैसेस से मंगवाया था एंड सेम जो सिमर कलर मैंने अपने आईज में अप्लाई किया है उसी से मैं अपने ब्रा बोन को एंड इनर साइड को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड स्विस ब्यूटी का मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रो ब्रश एंड हाईलाइटर। गाइस ये बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत अच्छा ब्लश है, 2 हाईलाइटर एंड 6 आपको ब्लश मिलता है, सारे शेड्स है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। आपको एक बड़ा सा मिरर भी मिल जाता है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपना लुक क्रिएट करने में। सो मैं नोज़ पे, फॉरहेड पे एंड अपने चिक को कर चुकी हूँ अच्छे से ब्लश। उसके बाद हाइलाइटर को मैंने पिक किया है, हाइलाइटर को भी मैं सेम अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक। ये मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेड्स मुझे याद नहीं है रिसेंट, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, सो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये लिपस्टिक थोड़ी सी महंगी है पर बहुत अच्छा लुक देती है एंड लॉन्ग लास्टिंग तो होती है क्योंकि ज़्यादा आपको पता है जो हाई एंड ब्रांड्स में आप जाओगे थोड़ा सा महंगा खरीदोगे ना तो वो बहुत अच्छा लिपस्टिक होता है एंड वो बहुत टाइम तक टिका रहता है ओके। सो ओवरऑल आपका कैसा लगा ये मेरा मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताना एंड हाँ, अगर ये लुक अच्छी लग रही हो ना तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा एंड इस लुक को आप क्रिएट करके बर्थडे पार्टी या फिर किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, खुद की एनिवर्सरी है तो आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हेयर स्टाइल आप अपने हिसाब से कर लेना क्योंकि मैंने इसमें आपको 2 हेयर स्टाइल दिखाया, बिल्कुल एक खुले बाल में एंड एक थोड़ा सा आगे का जो एरिया है मैंने उसे थोड़ा सा कवर कर लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा खुले बाल में फेस पे बाल आना पसंद नहीं है। सो अगर ये लुक अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना एंड कमेंट के थ्रू जरूर बताना आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। सो कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय।